हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 31 मार्च 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर का दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा बहुत पहले से रिकमेंडेशन था बाइंग करने का। इवन आज की डेट पे भी मेरा राय एकदम सेम है। तो फिलहाल अगर हम बात करें आज के दिन, जहाँ पे टाटा पावर का ओपनिंग प्राइस था ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था उसके आसपास ही, एंड ओपन होने के तुरंत साथ आप देख सकते हो 9:15 पे ओपन हुआ था 242 रुपये पे। उसके बाद देखिए ठीक 9:30 मतलब 15 मिनट में डायरेक्टली शेयर के अंदर डाउनफॉल हुआ है, एंड पूरा का पूरा दिन इसके अंदर कोई खास मूवमेंट या चेंजेस देखने को नहीं मिला। इसी रेंज के आसपास यानी 238 रुपये के आसपास ही आज कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया। दोस्तों एक्चुअली जो न्यूज़ आए जिसका इम्पैक्ट हमें आज शेयर के अंदर देखने को मिला, और ये इम्पैक्ट दोस्तों कल भी हमें देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी भी आ सकता है, बट कल ओपनिंग थोड़ा सा नेगेटिव होने का सबसे ज़्यादा चांस है। अब कैसा न्यूज़ है, क्यों है, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो बेसिकली दोस्तों ये आज मॉर्निंग का न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है हेडलाइन, टाटा पावर अदानी सेट टू पास ऑन हाई फ्यूल कॉस्ट टू मुंबई कस्टमर्स। तो बेसिकली यहाँ पे मुंबई की रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही आप बोल सकते हो दिक्कत वाला बात है, दिक्कत वाला यहाँ पे न्यूज़ आया है। तो बेसिकली जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाने के कारण, जो कोल है केला का प्राइस जो बढ़ जाने के कारण ग्लोबल मार्केट में वॉर के कारण, जिस कारण दोस्तों यहाँ पे अदानी एंड साथ साथ टाटा पावर ये दोनों ग्रुप ने यहाँ पे फैसला लिया कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है पर यूनिट, उसे फिर से यहाँ पे बढ़ाए दिया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम इस आर्टिकल को थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा आप ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे बहुत कुछ छिपा हुआ चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखें, टाटा पावर एंड अदानी इलेक्ट्रिसिटी मे पासेस ऑन द हायर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस यानी FAC टू कंज्यूमर इन कमिंग मंथ्स एज इम्पोर्टेड कोल प्राइस हैव बीन रेजन ओवर 200%। दोस्तों जी हाँ, लास्ट ईयर अगस्त के टाइम पे जो प्राइस था कोल यानी केला का, आज के दिन पे वॉर के कारण अगर हम स्पेशली बात करें करीबन 200% की हमें जम देखने को मिला लास्ट ईयर अगस्त में जितना था उसके साथ अगर हम कंपेयर करें। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज पावर डिस्ट्रीब्यूटर हैव इनक्योर्ड हायर फ्यूल प्राइस दैट नीड टू एडजस्टेड सून बिफोर इट सर्ज फर्दर इन कमिंग मंथ्स। क्योंकि लगातार हमें देखा कि लगातार ऑयल प्राइस भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कोल का प्राइस भी बढ़ रहा है। फ्यूल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई इन द शॉर्ट टर्म ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली हमने देखा था ये कॉन्फ्लिक्ट यानी वॉर की वजह से हमें ये तेज़ी देखने को मिला। जो यहाँ पे 5 ईयर का जो टैरिफ पॉलिसी था जो दिसंबर 2020 में ये लागू हुआ था, कि जो प्राइस रहेगा ग्लोबल मार्केट में उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप हर महीने ये जो प्राइस रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का ये आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आज 31 मार्च हो गया, कल 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों कितना प्राइस रेस करेगा वो भी मैं आपको एक एस्टिमेट बता देता हूँ। तो देखिए फिलहाल अगर हम बात करें जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर 2021 पे करीबन उसके पहले की अगर हम बात करें 4.81 रुपये पर यूनिट था कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी का, वो टाटा पावर ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था करीबन 7.35 रुपये, मतलब 4.81 रुपये से 7.35 रुपये तक कर दिया था, क्योंकि लगातार कोल का प्राइस बढ़ रहा था, जिस वजह से अभी दोस्तों और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा मतलब यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके साथ साथ देखिए जो कोल प्राइस आज की डेट में चल रहा है, साउथ अफ्रीकन कोल ऑलमोस्ट यहाँ पे $430 पर मिलियन टन, मतलब ह्यूज यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोल का प्राइस पहुँच चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे टाटा पावर ने डिसाइड किया, देखिए टाटा पावर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अराउंड 1.10 पर यूनिट ऑफ FAC फॉर मार्च ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो लगभग यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1.10 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ाएगा, जो अभी अभी हमने देखा था 7 रुपये समथिंग यहाँ पे था उसके ऊपर 1.10 रुपये का बढ़ाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें सिमिलरली जो कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी जो पर्टिकुलर सर्विस में यहाँ पे देता है मर्चेंट पावर के लिए, लगभग 0.25 यहाँ पे टोटल पर यूनिट यहाँ पे बढ़ाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जिस वजह से आज के दिन पे हमें मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें कमजोरी था, उसके साथ साथ अगर हम बात करें टाटा पावर के शेयर के अंदर ही हमें गिरावट देखने को मिला। अब बात करेंगे अदानी ग्रुप का, तो बहुत सारा शेयर है जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन हो गया, अदानी पावर हो गया, अदानी ग्रीन हो गया। तो बेसिकली इसके इम्पैक्ट आना चाहिए अदानी पावर एंड अदानी ट्रांसमिशन के अंदर, बेसिकली अदानी पावर के अंदर, बट अदानी पावर आज के दिन पे वो अलग ही अपना वर्ल्ड कप खेल रहा है, मतलब उसको एकदम मतलब पकड़ने से बाहर है, सीधा सीधा शेयर जंप ले तो बहुत ही अनस्टेबल शेयर हो चुका है, तो उस शेयर को मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा। बात करेंगे टाटा पावर। अब एक चीज़ यहाँ पे आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे दोस्तों, आज टाटा पावर का जो कारोबार था तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए
टाटा पावर का शेयर जो लास्ट डे क्लोजिंग था 241.70 रुपये ओपन हुआ था 242.90 रुपये भी। उसके बाद तुरंत शेयर के अंदर गिरावट हुआ, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे हाई टच किया एंड शेयर ऑलमोस्ट आज पूरा का पूरा दिन एक ही सिमिलर लेवल पे था। अब जो मेन मुद्दे की बात यह है तो देखिए शेयर देखिए ऑलरेडी सेलिंग साइड में आज से ही यहाँ पे एम ऑर्डर लग चुका है और कितना क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कितना क्वांटिटी 18,605, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है कि 500-600 क्वांटिटी सेलिंग साइड में ऑर्डर लगा, नहीं 18,605 क्वांटिटी का शेयर अभी से ही दोस्तों एम ऑर्डर लग चुका है सेलिंग साइड में। इसका क्लियर कट मतलब है कल हो सकता है कि एंड में काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग मतलब आज की डेट पे जहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस है उससे थोड़ा सा नीचे ओपन होने का चांस है। मतलब जैसे कि आज की डेट पे 238 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिया तो कल ओपनिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 235-236 के आसपास हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डाउन हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि आज के दिन पे काफ़ी अच्छा डिलीवरी भी देखने को मिला, लगभग 1,39,00,000 शेयर का टोटल यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिला, जिसके अंदर हमें डिलीवर जा चुका है करीबन 31% के ऊपर शेयर। अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ध्यान से यहाँ पे सुनना और ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, क्योंकि टाटा पावर की शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल के ऊपर आज की डेट में खड़ा हुआ है और बहुत जल्दी इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, साथ साथ एक गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट भी शेयर के अंदर बन चुका है। तो ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहली बात अगर हम बात करें शेयर का जो RSI इंडेक्स जो कि निकल कर रहा है 55 पॉइंट समथिंग, यानी अभी ये न्यूट्रल जोन पे चल रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले हमने देखा था तेजी के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास चल रहा था। अभी तो फिलहाल यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई भी ओवरबॉट जोन पे नहीं है शेयर। जब शेयर के अंदर लास्ट टाइम गिरावट हुआ था वॉर के कारण, याद होगा आपको फेब्रवरी के महीने पे लगभग 205 के आसपास पहुंच गया था, लगातार उस रेंज में आपको बाई करने का भी राय दिया था, शेयर के अंदर लगातार रिकवर देखने को मिला। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि शेयर के अंदर जो रिकवरी हुआ था दोस्तों लास्ट एक महीने से वो बहुत ही शार्प रिकवर हुआ था। बीच बीच में एक दो बार यहाँ पे करेक्शन हुआ था बट कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था। तो शेयर दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने का चांस है, क्योंकि लास्ट टाइम की अगर हम बात करें आप देख सकते हो ये 6 महीने का चार्ट पैटर्न है। जब शेयर प्राइस ये वॉर या कंपनी का रिजल्ट जब आउट हुआ था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट नॉट और अच्छा ही आया था कंपनी, बट फिलहाल मार्केट के अंदर गिरावट था जिस वजह से गिरावट देखने को मिला। तब देखिए यहाँ पे शेयर लगभग 250 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया एंड उसके बाद ही शेयर के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिला। तो बेसिकली देखिए आज के दिन पे शेयर उसी यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं पहुँच गया था, जिस वजह से लास्ट कुछ टाइम से शेयर यहीं पर ही हमें काफ़ी शॉर्ट आप देख सकते हैं शॉर्ट रेंज के भीतर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ऊपर की तरफ दोस्तों जो आपका बाइंग लेवल होगा थोड़ा यहाँ पे आप नोट कर लीजिए पेपर पेन में, जब शेयर फिर से 250 रुपये के ऊपर यहाँ पे जाके जब शेयर स्टेबल हो जाएगा, इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए, जब शेयर स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ पे आप बाई करना। ये नहीं कि 250 रुपये में टच किया फिर नीचे आ गया बाई कर लिया, ऐसा नहीं। जब शेयर 250 रुपये के ऊपर स्टेबल हो जाएगा, जैसे कि आज के दिन पे हमने देखा 200 रुपये के ऊपर शेयर बहुत ही अच्छा स्टेबल है, ठीक वैसे ही जब 250 रुपये के ऊपर शेयर स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। नीचे की तरफ दोस्तों अगर शेयर के अंदर फर्दर गिरावट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया, जो कि इलेक्ट्रिक बनता है, जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है कोल से, उसका प्राइस बढ़ गया तो डेफिनेटली कंपनी का एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमें मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला टाटा पावर के। तो नीचे की तरफ दोस्तों 220 रुपये के आसपास से यहाँ पे आप बाई करना स्टार्ट कर देना। एक साल की चार्ट पैटर्न तो काफ़ी ज़्यादा हमें शेयर के अंदर कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। अभी दोस्तों यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिचुएशन बना हुआ है, साथ साथ आप देख सकते हो इसका जो यहाँ पे रेड कलर वाला लाइन यानी 20 डेज की एमए एंड ब्लू कलर वाला लाइन यानी 50 डेज की एमए यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट भी बन चुका है। तो कभी भी इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट हो सकता है, जब भी होगा शेयर के अंदर तुरंत यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।